अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे एक सीपीयू असेंबल किया जाता है मदरबोर्ड पे। तो अभी यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं सर, प्रोसेसर फैन जो यहाँ पे लगा होता है, इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। स्क्रू ड्राइवर से हम लोग इसको ओपन करेंगे और इसके जगह पे हम लोग प्रोसेसर फिट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट दिया हुआ है, स्लॉट के अंदर मदरबोर्ड में एक स्लॉट दिया हुआ है। इस स्लॉट पे पहले से प्रोसेसर लगा हुआ है, उस प्रोसेसर को हम निकाल के दूसरे नए मदरबोर्ड में हम असेंबल करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे पिन्स होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके अंदर बहुत सारे पिन्स हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिलेगा, छोटे छोटे पिन्स होते हैं। और ये रैम स्लॉट है जो ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है। इसी पिन्स पे ये जो प्रोसेसर है इसमें भी बहुत सारे यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं कि छोटे छोटे डॉट्स हम लोग को दिख रहे हैं। ये पिन पे जाके सेट होता है और वो प्रोसेसर जो है वर्क करता है। यहाँ पे एक नया मदरबोर्ड है, ये G41 मदरबोर्ड है। यहाँ पे ये G41 मदरबोर्ड है, काफ़ी छोटे साइज़ का आजकल आने लग गया है। तो ये स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है, स्लॉट में हम लोग को प्रोसेसर फिट करना होता है। तो ये अगर इसको हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ओपन होता है और इस स्लॉट पे हम लोग को प्रोसेसर जो है वो फिट करना होता है। इसमें बहुत सारे पिन्स होते हैं, पिन्स में जाके वो सेट हो जाता है। और ये दो जो यहाँ पर ऑरेंज वाले दिख रहे हैं, ये दोनों रैम स्लॉट है, दो रैम हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। सर फिट करके एक बार दिखा दीजिए। ये स्लॉट हमने अभी ओपन कर लिया और प्रोसेसर को सेट करने के लिए उसमें इस टाइप का एक पिन दिया होता है, छोटे छोटे यहाँ गड्ढे दिए होते हैं। वैसे ही हम लोग को यहाँ पे एक दो स्लॉट दिया होता है, इसको हम लोग को देख के ही हमारे स्लॉट पे लगाना होता है। हमने यहाँ सेट कर दिया है और जो सॉकेट है उसमें हमने लगा दिया है उसको। उसके बाद यहाँ पे कूलेंट एक फ़ैन होता है सीपीयू को कूल करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। उसको स्क्रू से हम लोग फिट कर देते हैं। इसमें पेस्ट वगैरह नहीं लगता है क्या सर? फैन में लगा रहता है। इसमें एक थर्मल पेस्ट होता है वो ऑलरेडी फ़ैन में लगा होता है, जिससे जो सीपीयू का टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है और सीपीयू का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है और वो हमेशा कूल रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ने देखा कि मदरबोर्ड में कैसे प्रोसेसर लगाया जाता है। हमने यहाँ पे कोर टू ड्यू प्रोसेसर का यूज़ किया है G41 मदरबोर्ड पर।